एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू राइट और लेफ्ट. It will rotate the plane of polarized light to right hand side or it will rotate to the left hand side. बराबर. अभी वो राइट में या लेफ्ट में रोटेट करेगा ये हमें एक क्या बोल सकते हैं, हमें एक मशीन से पता चलता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजर. तो बेटा पोलराइजर करके एक मशीन होती है, ठीक है, जो हमको बताता है कि राइट में या लेफ्ट में रोटेट करेगा. तो इफ अ कंपाउंड is optically active or not is only determined experimentally. एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चल सकता है बेटा अगर लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो, या राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर रोटेट नहीं कर पा रहा है तो इनएक्टिव है. तो ये हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चल सकता है. बराबर. हाँ बराबर. लेकिन हम लोग ने क्या किया है, हमने सारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को साथ में रखा है एंड वी हैव फाउंड सम सिमिलैरिटीज. तो हालांकि ये हमें एग्जैक्टली सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलेगा, ये पोलराइजर मशीन के थ्रू पता चलेगा. पोलराइजर बोल रहा हूं मैं, इट इज कॉल्ड एज पोलारीमीटर. मशीन का नाम है पोलारीमीटर. आई एम रियली सॉरी, इसका मशीन का नाम है पोलारीमीटर. वेदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट ये तुमको पोलारीमीटर से पता चलेगा. लेकिन फिर भी हम लोग ने ना सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को साथ में रख के वी हैव फाउंड आउट सम सिमिलैरिटीज. तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जज करते हैं कि एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा बेस्ड ऑन दोस पॉइंट जो हमने ढूंढे, सिमिलर पॉइंट ढूंढे. बराबर. हाँ. तो यहाँ पे फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, फाइनल तो तुमको पोलारीमीटर ही बताएगा. फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इट शुड हैव अ काइरल सेंटर, इट शुड हैव एन असिमेट्रिक. असिमेट्रिक मतलब बिल्कुल भी किसी तरीके का सिमेट्री नहीं, असिमेट्रिक कार्बन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ काइरल कार्बन. असिमेट्रिक मतलब ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन शुड बी डिफरेंट. तो तुम्हारे पास में कार्बन है, लेट से यहाँ पे मैंने डाल दिया है CH3, यहाँ पे मैंने डाल दिया है H, यहाँ पे मैंने डाल दिया है COOH और यहाँ पे मैंने डाल दिया है OH. ये लैक्टिक एसिड है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव है. बराबर. हाँ. अगर मैंने ये कंपाउंड दे दिया CH3 CH2 CH3 Cl एंड H, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है. बराबर. बट इन दो कार्बन के अलावा कोई और कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस कार्बन की बात करो तो इसमें डबल बॉन्ड O है, तो उसके दो बॉन्ड तो ऑक्सीजन को ही अटैच है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो तीन हाइड्रोजन को अटैच है, इधर भी तीन हाइड्रोजन का अटैच है, दो हाइड्रोजन को अटैच है. बराबर. यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, तो सिर्फ यही एक कार्बन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है. दिस इज नथिंग बट 2-chlorobutene. यस, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड. तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि उसमें काइरल सेंटर प्रेजेंट है. अभी यहाँ पे एक और पॉइंट हो जाता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर. हम ये काइरल सेंटर से निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर is given by the formula 2^n, where n is nothing but the number of chiral carbon. Hmm.
मतलब अगर मैं इनमें बोलूं तो इन सब इन दोनों में दो दो आइसोमर, दो आइसोमर, दो आइसोमर। अगर मेरे पास दो कायरल सेंटर रहेगा तो उसके चार आइसोमर हैं, अगर चार कायरल सेंटर रहेगा तो उसके 2^4 16 आइसोमर रहेंगे, तीन कायरल सेंटर रहेगा तो 8 आइसोमर रहेंगे, बराबर? बराबर है। वेरी नाइस। दूसरा पॉइंट, फॉर एनी कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, इज कि इट शुड हैव नॉन सुपरइम्पोजिबल the two compounds will be optically active if they have enantiomers bolte hai na barabar non superimposable mirror images। मतलब मिरर इमेज होना चाहिए लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, तो इसको एनांशियोमर बोलते हैं। जैसे इसी का ले लेते हैं, अगर मैंने बोला तेरे को ये तेरे पास में कार्बन है, ये तेरे पास में इथाइल है, ये तेरे पास में मिथाइल है, यहाँ पे आगे की तरफ तेरे पास में क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका तो मिरर इमेज बनाएगी अगर, तो यू हैव कार्बन, यू हैव C2H5, अब ये दूसरे साइड में तो ये CH3 है इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो द पॉइंट इज कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, और अगर तू इसको उठा के इसके ऊपर रखेगी तो ये कोइंसाइड करेगा, बट बाकी का कोई कोइंसाइड नहीं करेगा, तो कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैंने हाथ का मिरर इमेज बनाया, अगर इसका मिरर इमेज बना तो इसका मिरर इमेज ऐसा रहेगा, तो मैंने इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखा तो कोइंसाइड नहीं हो रहा है, बराबर, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल इसको कहेंगे। लेकिन अगर मैंने इसका मिरर इमेज बनाया तो इसका मिरर इमेज ऐसा ही रहेगा, पेन के जैसा ही रहेगा, तो वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, तो अगर सुपर इम्पोज नहीं होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। अंडरस्टूड? हां सर। ओके, देयर आर सम मोर टर्म्स, टू मोर टर्म्स, वन इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है एक्चुअली ना, नेचर में तुमको हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म पे मिलता है। तो रेसिमिक मिक्सचर इज नथिंग बट इक्विमोलार क्वांटिटी ऑफ डेक्सो एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्सो रोटेटरी कंपाउंड और लीवो रोटेटरी कंपाउंड का सेम प्रपोर्शन पे, तो रेसिमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली एक्चुअली इनएक्टिव होता है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि आधे राइट साइड में रोटेट करेंगे, आधे लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे, तो देयर विल बी नो नेट रोटेशन, बराबर। तो बेटा तू हर कंपाउंड जो नेचर से उठाएगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, या तो वो उसमें कोई काइरल कार्बन है ही नहीं, और जिसमें है जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में रहेंगे, उसको सेपरेट करना पड़ेगा, तो दिस सेपरेट करने के प्रोसीजर को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, तो रेजोल्यूशन इज सेपरेटिंग लीवो एंड डेक्सो components from racemic mixture। अगर तेरे को याद होगा जब मैंने coordination chemistry पढ़ाया था तब मैंने बोला था coordination chemistry में tetrahedral complexes वाले
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वाले और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ये सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, होगा उनमें काइरल सेंटर होगा, होगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होंगे, बट प्रैक्टिकली आज तक हम उसको सेपरेट नहीं कर पाए, बराबर ना। एट द एंड ऑफ द डे तो तू उन्हीं कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकती है जो पोलारीमीटर में लेफ्ट और राइट में रोटेट करके दे रहे, बराबर। तो अगर वो नेचर से हमने उसको निकाला, वो लेफ्ट या राइट में रोटेट नहीं कर रहे, अगर मैं तेको इस तरीके का एक कंपाउंड दे दूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, अगर मैं इस तरीके से तेको एक कंपाउंड दे दूं, एम ये ए है, अरे यार एक मिनट, हाँ वो बहुत ऊपर हो गया, अगर मैं तेको M बोल दूं, ये A है, ये B, ये C, ये D और ये E और ये F, डेफिनेटली मेरा जो सेंट्रल एटम है इधर, ये काइरल सेंटर है, इसके हर ग्रुप हर जगह अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है, बराबर। तो इट इज अ काइरल सेंटर, काइरल सेंटर है, इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी बन जाएगा, एनेंशियोमर भी हो जाएगा, तो ये दोनों टिक है, बट ये स्टिल ऑप्टिकली इनएक्टिव है as yet not been resolved. तो आज तक बेटा हम इसको रिजोल्व नहीं कर पाए हैं, आज तक हम इसको सेपरेट नहीं कर पाए हैं, अलग अलग नहीं कर पाए, बराबर। तो हमें पता नहीं ना कि वो इनएक्टिव है कि वो racemic mixture के फॉर्म में है, बराबर कि नहीं, बराबर। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो रिजॉल्व हो पाएगा वही एक्टिव रहेगा, बराबर, वरना नहीं रहेगा। एनी डाउट? नहीं समझा। दो और कॉन्सेप्ट्स हैं, हालांकि मैं तेको चार और बता रहा हूँ, कभी ना कभी काम आ जाएगा, ठीक है, तो साथ में है तो साथ में याद रखना। तो एक और कॉन्सेप्ट है जो यू हैव टू रिमेम्बर, दैट इज द मीजो आइसोमर, दैट इज द मीजो आइसोमर। मीजो आइसोमर इज द इनएक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। हमने ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी किया था, मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से पहले याद दिलाता हूँ, फिर ऑर्गेनिक के हिसाब से याद दिलाऊंगा, ऑर्गेनिक वाला सिंपल है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहा था मालूम, ये इस टाइप का कंपाउंड था, एम ए ए टू ए टू। अच्छा, मतलब सेंटर में लेट्स से कोबाल्ट है, AA2 मतलब कोई बाइडेंटेड लिगेंड है, तो लेट मी से कि इथिलीन डायमाइन है, वो दो ले लिया मैंने, ऑक्सलेटो भी ले सकते चलेगा, बट AA होना चाहिए, ऑक्सलेटो या इथिलीन डायमाइन, यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं Cl2, तो चार्जेस ये प्लस थ्री, ये माइनस टू, तो यहाँ पे प्लस वन चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देख, मैंने कोबाल्ट बनाया, मैंने ये इस फॉर्मेट पे लिखा, ये हो गया मेरा पहला इथिलीन डायमाइन, ये हो गया मेरा दूसरा इथिलीन डायमाइन, ये सिसे के ट्रांस है, इसमें एक ही सिस था ना, इसमें एक ही ट्रांस था, ये सिसे के ट्रांस है, ये सिस है, ट्रांस कब होगा, जब दोनों क्लोरीन ऊपर नीचे होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, वहां पे एक्चुअली हम लोग पहला पॉइंट नहीं देख रहे थे, हम सिर्फ दूसरा मिरर इमेज बनाने के लिए देख रहे थे। सुपर इम्पोज होगा ये, पता सुपर नहीं होगा ना, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए ना बेटा। कोबाल्ट के ऊपर रखेगी तो इथिलीन डायमाइन इस तरफ है, तो ये और ये इधर इस तरफ है, तो नहीं होगा ना सुपर इम्पोज, ये इसके जैसा रहेगा ना, इसके जैसा रहेगा ना, ऐसे हो जाएगा ना। हाँ, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये डेक्सटो है, ये फिफ्थ वर्जन है, और ये डेक्सटो अगर मैं बोलूं डी फॉर्म, तो ये भी फिफ्थ है, तो ये एल फॉर्म। लेकिन बेटा अगर इसका मैं ट्रांस वर्जन लू, इसका मैं अगर ट्रांस वर्जन लू, तो ट्रांस वर्जन ऑप्टिकली इनएक्टिव था, क्योंकि अगर देखो ट्रांस वर्जन याद होगा तो ट्रांस वर्जन हम ऐसा लिखते हैं, ये एन एन हो गया, ये इथिलीन डायमाइन,
ये एनएन हो गया, ये इथिलीन डायमाइन, और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? कोबाल्ट क्लोरीन इंपोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये नॉन सुपर, मतलब ये मतलब सेकंड पॉइंट, सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ ना, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाँ तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं मीजोफॉर्म। मतलब इसमें ये मॉलिक्यूलर वेट में हमारे पास में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। तो हैरी पॉटर देखिए नहीं, ये भगवान हैरी पॉटर नहीं देखा है तूने? नहीं मुझे नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, मैं उसके कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन करने वाला था तो मैं बता देता हूँ एक्चुअली। तो वो हैरी पॉटर में एक्चुअली ऐसा सीन रहता है कि जो जिनके मम्मी पापा विजर्ड्स रहते हैं लेकिन वो खुद बच्चा विजर्ड नहीं है, तो उसको स्क्विब बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही सीन है कुछ, मतलब उसके ग्रुप्स में लोग ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन वो इनएक्टिव है, तो उनको मीजो कंपाउंड्स बोलते हैं। कुल मीजो समझा? हाँ। ये तो कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हो गया। मैं एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? तो टार्टारिक एसिड, तो वी आर गोइंग फॉर टार्टारिक एसिड। तो टार्टारिक एसिड इज बेटा प्रेजेंट इन टैमरिंड्स, बराबर। और टार्टारिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर दो कार्बन है और लास्ट वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें मैं OH इस तरफ रख रहा हूँ, इसका H इस तरफ रख रहा हूँ, OH इस तरफ रख रहा हूँ और H इस तरफ रख रहा हूँ, मतलब हर कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे OH OH ग्रुप से और ऊपर नीचे COH COH है। इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊ तो ये COH तो ऐसे ही रहेगा। देख सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन का ही मिरर इमेज बनाने के लिए देखो, बाकी सबका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये OH इस तरफ है मिरर के, तो ये OH इस तरफ रहेगा, ये H इधर रहेगा, ये OH इधर रहेगा, ये COH। इसको उठा के ऊपर रखेंगे तो क्या ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है कि सुपर इम्पोजिबल? नहीं, सुपर इम्पोज होगा ना? नहीं होगा ना बेटा, कार्बन है, कार्बन है, इस तरफ OH है, इस तरफ H है ना, सुपर इम्पोज नहीं होगा ना। सुपर इम्पोज का मतलब क्या बेटा, इसको उठा के बराबर तो इसके ऊपर रख रही है, तो जब तू इसको उठा के इसके ऊपर रख रही है, जैसे देख मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख रहा हूं, तो जब मैं उठा के ऊपर रख रहा हूं तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है ना, दोनों अंगूठे इम्पोज नहीं हो रहे ना। अच्छा वो मैं कुछ ऐसे अलग नहीं रख रहे, ऐसे नहीं हाँ, रखते बेटा। मैं वैसे सोच रही थी। हाँ हाँ अच्छा ओके सॉरी। You pick this up and you put it over here. Take वापस से करते ये वाला example, see cobalt. You pick cobalt up and you put it on this cobalt. So when you pick this cobalt and you put it in this cobalt, क्या ये पंखा दोनों साइड में सेम जगह पे आएगा? नहीं ना, नहीं नहीं इधर इधर आएगा और ये, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव था क्योंकि इधर सुपर इम्पोजिबल नहीं था, बराबर। अब इसको इम्पोज करने के लिए देख, इसको उठा के इसके इसके ऊपर रखेगी तो ये और ये सेम हो जाएगा, ये हाँ, और ये सेम, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है ना, बराबर है ना। तो अभी यहाँ पे देखेगी तो देख, इसको उठा के इसके ऊपर रखेगी तो OH और H, H और OH, तो नहीं हो रहा है इम्पोज। तो ये अगर मैं बोला ये डेक्सो रोटेटरी डी फॉर्म, तो ये एल फॉर्म। इसको बेटा मैं एक और तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, दोनों OH सेम साइड में भी तो रख सकता हूं। हाँ लेकिन इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? अच्छा ठीक है, इसका मिरर इमेज, इसका जो मिरर इमेज रहेगा वो काफी आइडेंटिकल ही रहेगा। सॉरी यहाँ पे पर इसको मिरर इमेज ये भी सुपरइम्पोज नहीं होगा। हाँ हाँ ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, बट ये वाला जो है ना बेटा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। देखो याद है पहला पॉइंट क्या बोला था मैंने, कि देयर शुड बी एन असिमेट्रिक कार्बन, बराबर कि नहीं? हाँ
So even though this carbon has all the four group different, even this carbon has all the four group different, but अगर ना बेटा मैं इधर से ना एक मिरर डालू ना, within the compound एक मिरर डालू ना, तो you can see ऊपर और नीचे to be very identical, exactly identical. तो ऐसे कंपाउंड भी इनएक्टिव होते हैं और इनको मीजो कंपाउंड बोलते हैं. अच्छा बराबर, ये मीजो कंपाउंड होते हैं. तो इवन दो बेटा देर वर टू आईज टू ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, तो टू ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन मतलब यू शुड हैव गॉट फोर आइसोमर, बट यू डोंट हैव फोर आइसोमर, यू हैव ओनली थ्री आइसोमर्स, क्योंकि ये जो पहला आइसोमर इज द डेक्सो रोटेटरी वन, दूसरा इज द लीवो रोटेटरी वन, और तीसरा वाला इज दिस इनएक्टिव वन. ये इनएक्टिव वाला अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता तो इसके दो और हो जाते, डेक्सो और लीवो, लेकिन वो हुए नहीं ना क्योंकि वो इनएक्टिव है. बराबर है, अंडरस्टूड? हाँ बराबर, पक्का समझा? हाँ हाँ समझ. ठीक है, तो वंस दिस इज डन. अच्छा मेरे को और दो टर्म्स, एक और टर्म मेरे को एक्सप्लेन करने का है. देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स. अब एनांशियोमर्स क्या होता है? एनांशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. अरे इधर लिखता है एनांशियोमर्स. They are non-superimposable. Mirror images. Diastereomers, on the other hand, are non-superimposable. Non-mirror images. ये मैं कार्बोहाइड्रेट पे बताऊं तो बेटर होगा, लेकिन अभी बता रहा हूं. दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल एंड दे आर नॉट मिरर इमेजेस. ठीक है, मिरर इमेज भी नहीं है. तो मैं तेको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस. अब ये मैं तेको कार्बोहाइड्रेट पे इनका स्ट्रक्चर बाय हार्ट करवाऊंगा, फिलहाल आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्ट्रक्चर. ठीक है, यू जस्ट रिमेंबर दिस एग्जाम्पल और कुछ नहीं. तो मैं तेको सिर्फ डायस्टीरियोमर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिलहाल. आई डोंट वांट यू टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर आई विल टीच यू इन कार्बोहाइड्रेट. तो ग्लूकोज में CHO होता है, ये सेकेंड कार्बन का OH इज ऑन द राइट, थर्ड का इज ऑन द लेफ्ट, ये COH, ये COH, और लास्ट कार्बन विल बी CH2OH. तो यू कैन सी पहला, और गैलेक्टोस में क्या आएगा, पहला कार्बन CHO, ये सेकेंड है, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, और ये सिक्स्थ कार्बन. फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन सेम होते हैं, CHO और CH2OH. अब यहाँ पे क्या था, थर्ड कार्बन का OH वाज ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दोनों का कार्बन का OH इज ऑन द लेफ्ट. ओके, so this is the structure of glucose, this is the structure of galactose. beta they have all together 16 isomer, matlab jaise glucose aur galactose to sirf ek hi hai, aise total 16 isomer ho sakte hai, kyunki agar beta tu dhyan se dekhegi to uska molecular formula same hai, sab mein 6 carbon hai, dono mein 6 oxygen hai, 1 2 3 4 5 6, isme bhi 6 oxygen hai, 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो दोनों में भी फॉर्मूला, दोनों का भी फॉर्मूला सेम है. अब अगर तू इन दोनों को ध्यान से देखेगी तो दे आर नॉट मिरर इमेजेस ना, बराबर. एंड अगर तू इसको उठा के इसके ऊपर रखेगी तो दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल. So they are not mirror images, they are not superimposable. ऐसे compound हम diastereomers बोलते हैं. हाँ.
मतलब जो एनांचियोमर नहीं रहेगा ना वो डायस्टीरियोमर रहेगा, इन शॉर्ट ऐसा लॉजिक है. क्योंकि एनांचियोमर में एटलीस्ट या मिरर इमेजेस, बट देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स जिसको हम साथ में मर्ज कर सकते हैं जो मिरर इमेज भी नहीं है. तो मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोज तो होगा भी नहीं. बराबर बराबर है. तो दिस इज अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी. विल गो फॉर मैकेनिज्म नाउ. तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म यहाँ पे, SN1 SN2 बराबर. एंड हम उसके बाद में E1 एंड E2 भी करेंगे. तो SN2 मैकेनिज्म हम पहले करेंगे. SN2 मैकेनिज्म पहले इसका आप उसको पूरा हम लोग अच्छी तरीके से ओपन अप कर लेते हैं. S stands for substitution and stands for nucleophilic nucleophile and 2 stands for biomolecular. Now why is this called as biomolecular? Because यहाँ पे reaction rate depends on both reactant and reagent. Correct. SN2 is generally done for primary alkyl halides. या जो भी primary होंगे वो SN2 follow करेंगे. ठीक है, primary alkyl halide. तो there is a simple reaction. जैसे अगर मैंने बोला CH3CH2Br है, ये primary है group. इसमें मैंने KOH डाल दिया aqueous. So I know my product is going to be CH3CH2OH and KBr. जब हम इसका reaction rate check करते हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ C2H5Br. मतलब अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं तो रेट बढ़ जाता है, और अगर मैं OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं जो कि ये है उस तब भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. तो तुम्हारा रेट डिपेंड्स ऑन टू मॉलिक्यूल्स और इसको हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म. तो दिस इज अ रीजन व्हाई वी कॉल इट एज बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन. बराबर बराबर है. Now SN2 mechanism obey it. It occurs in it is a one step reaction, one step mechanism. One step mechanism का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? Bond breaking and bond making is done simultaneously. In one step. Just a minute, I'll just come back. One minute.
हेलो। हाँ सर, हेलो। हेलो। हाँ सर, हेलो। हेलो, 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 आवाज आ रही है मेरी? सर। ठीक है, तो यहाँ पे ना SN2 में बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों भी एक ही स्टेप में होता है, क्योंकि यहाँ पे ना बैक साइड अटैक इज पॉसिबल। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। यू हैव एन आर ग्रुप, ठीक है। यू हैव अभी मैं अगर प्रॉपरली अगर लिख के दू तो लाइक दिस, सो यू हैव कार्बन, यू हैव आर अटैच टू इट, यू हैव हाइड्रोजन, यू हैव अनदर हाइड्रोजन, एंड यू हैव आगे की तरफ लेट से मैंने हलाइड डाल और मैंने इधर डाल दिया है पीछे की तरफ H। तो यहाँ पे बैक साइड अटैक इज पॉसिबल, सामने से अटैक नहीं कर सकता OH-, ठीक है। फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, नेगेटिव ग्रुप। लेकिन बैक साइड अटैक इज वेरी वेल पॉसिबल, तो बैक साइड अटैक इज पॉसिबल, तो ये पीछे से अटैक करेगा, बराबर, ये पीछे से अटैक करेगा, इवेंचुअली गिविंग यू कार्बन आर, यू हैव एच, यू हैव एक्स, और ये पीछे से अटैक करेगा, तो आई कैन से कि ये एक्स निकल रहा है और OH आ रहा है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तुम्हारे पास में। साइमल्टेनियस हो रहा है बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियस। मतलब ये तुम्हारे पास में कार्बन है, ये तुम्हारे पास में आर है, ये तुम्हारे पास में एच है, और ये तुम्हारे पास में एच। यहाँ पे कार्बन और एक्स का बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और OH का बॉन्ड बन रहा है और एक्स का बॉन्ड टूट रहा है, तो देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट दैट इज हैपनिंग ओवर हियर, एंड देन फाइनली बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड विल ब्रेक गिविंग यू आर एच। ये अब देखो बैक साइड अटैक हुआ है तो एच आगे की तरफ आ जाएगा और OH पीछे की तरफ आएगा, तो ये बैक साइड अटैक, बराबर। तो यहाँ पे यू विल गेट 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट। नाउ व्हाई डू वी से इन्वर्जन प्रोडक्ट, कि इफ दिस वाज ऑप्टिकली एक्टिव, तो अगर वो डेक्सट्रो रोटेटरी रहता तो ये लीव हो जाए, यू गेट 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट, पीछे का अटैक ऑन। यू अंडरस्टूड एनी डाउट? हाँ सर, समझा। सर, आपका आवाज बहुत छोटा आ रहा है। अच्छा, हाँ आप बता, आप ठीक है? हेलो, हाँ, ठीक है। आप बता, ठीक है? हेलो हाँ सर, ठीक। हेलो, हेलो हेलो। हाँ हाँ आ रहा है अभी, बता, ठीक है? हाँ हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, समझा। सो दिस इज 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा इधर, ये साइमल्टेनियसली होता है बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। अब इसमें एक आध पॉइंट और है, वो बाद में बताता हूँ, पहले SN1 बताता हूँ। अभी SN1 में क्या होता है, SN1 में वन स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर, मतलब जब हम लोग इसका रेट चेक करते हैं, और ये जनरली टर्शियरी ग्रुप्स के लिए प्रेजेंट होता है, टर्शियरी हाँ अल्काइल ग्रुप्स के लिए। तो यू हैव आर, यू हैव सी, यू हैव आर, यू हैव सी, एंड यू हैव एक्स। तो यू हैव टर्शियरी ग्रुप्स, तो बेटा जब तुम इसको अटैक करोगी तो यहाँ पे तुमको प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, बट जो तुमको प्रोडक्ट मिलेगा वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की ही रिएक्टेंट के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा।
इट विल नॉट डिपेंड ऑन OH का कॉन्सेंट्रेशन. मतलब यहाँ पे काइनेटिक्स अगर देखें हम लोग, रेट ऑफ द रिएक्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. सिर्फ अल्काइल हैलाइड की ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तुम्हारा रेट डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ये इसीलिए यूनिमोलिकुलर होते हैं. And I am not taught you equilibrium. No. Okay. Yes. Physical में मतलब ज़्यादा chapter बचे नहीं. मैं वही सोच रहा था organic कितना सोच रहा था. Rate is directly proportional to alkyl halides. अब ये ऐसा क्यों होता है? Let us try and understand. बट उसके पहले दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस. इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस. बराबर बराबर है. व्हाई इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस? टू स्टेप प्रोसेस पहले अटैक होगा. नहीं पहले अटैक पहले बॉन्ड ब्रेक. योर फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल. जैसे पिक्चर पीछे नहीं पॉसिबल था, इज नॉट पॉसिबल. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. करेक्ट. एंड बैक साइड अटैक इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. Here both front side and back side, both side attack is not possible due to steric hindrance. बराबर इधर दोनों भी possible नहीं. बराबर तो here first bond breaking occurs. And then bond break. पहले आराम से bond break होएगा और फिर आराम से bond बने. अच्छा. है ना? क्योंकि इधर क्योंकि जगह नहीं है ना टक्कर, ऑप्शन नहीं था. बराबर है. तो ये टर्शियरी के लिए होता है जनरली. तो अगर मैं उनको बोला you have a carbon, you have one alkyl group over here R1, you have another alkyl group R2, you have another alkyl group. यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले आगे की तरफ मैं हैलोजन डालता हूँ. जरूरी नहीं तुम पीछे की तरफ भी हैलोजन डाल सकते हो, फिर भी दो स्टेप में होगा. ठीक है, देखिए मैंने लिखा यहाँ पे उस तरह से, तो इससे मैं यहाँ बता रहा हूँ. नाउ यहाँ पे OH माइनस का कोई मतलब ही नहीं है ना. फ्रंट साइड पॉसिबल है और ना बैक साइड पॉसिबल है. ठीक है, दोनों भी अटैक पॉसिबल नहीं है. ये नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल. ये नहीं पॉसिबल है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. करेक्ट. एंड ये नहीं पॉसिबल है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मतलब नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन. तो पहले आराम से बॉन्ड टूटेगा. तो स्टेप वन में हम आराम से बॉन्ड तोड़ेंगे और ये स्टेप को हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट. अच्छा, अभी अगर एक्स जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कि छोड़ के जाएगा? लेके जाएगा. तो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा. तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन. तो यहाँ पे भी हम ट्रांजिशन स्टेट डालते हैं. ट्रांजिशन स्टेट लिखने का ना, एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट ना कभी हमको दिखता नहीं है. जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा ना, ये बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, ये हमें कभी दिखता नहीं है. बट अगर हम लोग जब इनका एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमको ना एक स्पर्ट दिखता है एनर्जी.
मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, फिर बढ़ गई, फिर स्टेबल हुई। मतलब जब इसका मैं ग्राफिकली ना इसका प्लॉट करने के लिए जाऊंगा ना, हाँ मैंने ट्राई टू प्लॉटेड ग्राफिकली जैसे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो भी तुमको रिएक्शन में मिला है, और यहाँ पे तुमको लेट से तुम्हारा है पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियली तुम्हारी एनर्जी कम है, इनिशियली तुम्हारी रिएक्टिंग भी स्टेबल ही था ना, ये काफी स्टेबल कंपाउंड था, तो इनिशियली तुम्हारी एनर्जी कम थी, फिर उसकी एनर्जी काफी बढ़ गई क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है ना बेटा, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमने एनर्जी प्रोवाइड की, हमने दिया है एनर्जी, ठीक है, तो दैट एनर्जी पहले बढ़ी और फिर एनर्जी कम हुई, बराबर। अब एनर्जी क्यों कम हुई बेटा, जब जब बॉन्ड तोड़ना था तब तूने एनर्जी प्रोवाइड किया, बराबर बराबर है, जब बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज, करेक्ट, वो स्टेबल हो रहा है ना, वो स्टेबल हो रहा है ना, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो उसकी एनर्जी वापस कम हो जाएगी, तो इसको तो हम रिएक्टेंट बोल देते हैं, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ये पॉइंट को भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने ट्रांजिशन स्टेट इंट्रोड्यूस किया। अच्छा इसीलिए हमने ट्रांजिशन स्टेट इंट्रोड्यूस किया, तो हम इस पॉइंट को ट्रांजिशन स्टेट, और दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस ईए इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, देयर आर मोर थिंग्स, डू यू नो व्हाट इज दिस कॉल्ड, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड द एनर्जी ऑफ रिएक्ट, समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्ट, डेल्टा एच ना, हाँ, दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन, हाँ दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन, दिस इज डेल्टा एच, तो यहाँ पे डेल्टा एच इज नेगेटिव, प्रोडक्ट नीचे जा रहा है, तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो इट्स एक्सोथर्मिक, करेक्ट, तुम्हारे पास में ऐसे भी ग्राफ हो सकते हैं, ये ग्राफ विल बी एंडोथर्मिक। वन मोर थिंग आई वांट टू टीच यू ग्राफ में, एंडोथर्मिक, एक ये पॉइंट, दिस पॉइंट राइट फ्रॉम द बीच, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको मैं टीएस लिखू तो नहीं, टीएस नहीं लिखते, दिस एनर्जी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, बराबर, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज लाइक कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ती, नहीं दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यू रिक्वायर 600 किलो जूल की एनर्जी, ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास में 150 है, मतलब रिएक्टेंट दिस इज लेट्स से 150, दिस इज लेट्स से 600, तो रिएक्टेंट हैज 150 एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज ओनली 450, यू हैव टू सप्लाई मोर 450 ना टू रीच दैट थ्रेशोल्ड, हाँ तो थ्रेशोल्ड इज की बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड कितना है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, यू अंडरस्टूड दैट, हाँ, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी है जो वो एक्टिवेशन प्लस डेल्टा है ना, हाँ बराबर, डेल्टा एच नहीं, डेल्टा एच तो पूरा नीचे तक थोड़ी ना जा, अच्छा हाँ बराबर, तो इससे मैंने कुछ लिखा नहीं, वो ऐसा ये पॉइंट से एकदम बेस लाइन, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, यहाँ पे भी इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, तो मैं ब्लैक से लिख रहा था, तो मैं ब्लैक से लिखता हूँ, यहाँ पे सामने की तरफ हमारा अलाइड है और यहाँ पे पीछे की तरफ मेरा आर्थी, तो बेटा पहले एक्स ब्रेक होने के लिए जाएगा, पहले इत्मीनान से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ से अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो हम लोग पहले ऐसे दिखाएंगे, ये कार्बन है, ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो, तो ये अनस्टेबल है और ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट वन है, एक मिनट,
ऑफलाइन लेक्चर बंद अभी से। हाँ ये कोरोना के केसेस बढ़े हैं क्या बेटा? सर फिर से बढ़ने लगे इन मुलुंड एंड ऑल क्या? मुलुंड का नहीं पता पर मैंने सुना है कि बढ़ने लगे फिर से अभी फिर से आने वाला है कोई यूके का स्ट्रेन ऐसे बोल रहे सेकंड वेव। हाँ बहुत काम बढ़ेगा यार एडमिशन के टाइम पे अगर बेटा इसका ज्योमेट्री देखना चेंज हो। क्योंकि इसके पास चार बॉन्ड थे ना sp3 था अब इलेक्ट्रॉन भी गया ना तो sp2 हो गया दिस इज नाउ ट्रायंगुलर प्लेनर। हाँ बराबर अभी हम लोगों का एक्चुअली ना मेरा भी 2 दिन में एक लेक्चर हुआ था मुलुंड में ऑफलाइन और हमारा मीटिंग चल रहा था काफी और अभी मेरा एक दूसरा कलीग है ना उसका ऑफलाइन ही होता है तो अभी उनको मैसेज कर रहा था कि उसको ऑफलाइन अभी उसका भी ऑनलाइन हो गया तो ऑफलाइन ही है मतलब बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बुला रहे हम लोग बुला रहे थे बच्चे अभी भी। अच्छा कुछ नहीं पढ़ते बच्चा आधा टाइम तो जगाने में लग जाए। अच्छा सेकंड सेल में अटैक होगा बेटा अब कोई पॉइंट अटैक का सामने से ही अटैक करेगा पीछे से अटैक करेगा कहीं से भी कर दोनों साइड से कर सकता है सर। बराबर कहीं से भी अटैक करेगा तो अभी बेटा देखो 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन प्रोडक्टिव कहीं से भी कर सकता है ना तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री डिफेक्ट है मतलब देखो रेसिमाइजेशन मिलने वाला है प्रोडक्ट अगर ऑप्टिकली एक्टिव था तो देखो रेसिमिक मिक्सचर मिलने वाला था बराबर 50% एक्स्ट्रा 50% ही वो रेसिम बराबर है तो ये तेरे पास में मैंने बना दिया R1 R2 R3 ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे OH माइनस इज गोइंग टू अटैक इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड लेट मी जस्ट शो इट इट कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड इट कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाएंगे जहाँ पे अटैक हो क्योंकि वापस अटैक होने के टाइम पे भी बॉन्ड एनर्जी लगती है ना यू हैव OH ओवर हियर इसका नाम है अच्छे का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका हाँ, बड़ा लास्ट सर आप एक सेंटेंस बोलते हो ना उसका लास्ट वर्ड ना सुनाई नहीं देता है। हाँ हाँ ऐसा क्यों सुनाई दिया नहीं हाँ क्यों एकदम छोटा सा था क्यों ऐसे एकदम पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक नहीं, है नहीं शायद मैं ऐसा बोल रहा हूँ शायद मैं तुम्हें थोड़ा ध्यान करूँ ये OH है और ये R3 है समझ रहे आप ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कुछ वो एक्चुअली हम लोग कैसा लिखते वक्त सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप डालते हैं ना तो वॉइस मॉड्यूलेशन में अगर हम वॉइस थोड़ा कम हो जाता है एंड में तो ऐसा पता चलता है कि वो सेंटेंस खत्म हुआ तो आदत है ठीक है वो मैं देखता हूँ तो बेटा 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन करेक्ट ये रिटेंशन होगा क्योंकि ब्रोमीन आगे की तरफ था और ये 50% इन्वर्जन तो यू विल गेट अ रेसिडेंट पिक्चर बराबर। हाँ अच्छा अभी इसमें व्हाट आई वांट टू टेल यू टू अटैक अच्छा इसका रेट अल्काइल हैलाइड पे क्यों डिपेंड करता है देख लो
दो स्टेप है, पहला स्टेप है बॉन्ड ब्रेक करने का, दूसरा स्टेप है बॉन्ड फॉर्म करने का। अब तू मुझे बता इसमें से ज्यादा टाइम किसको लगने वाला, बॉन्ड ब्रेक करने को टाइम लगेगा क्या बॉन्ड बनाने को टाइम? ब्रेक करने को बनाना तो सिंपल है ना, ऑलरेडी वो काफी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, कार्गो का टाइम उसमें पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव तो तुरंत अटैक करेगा। तो दिस इज अ फास्ट स्टेप, दिस इज अ सिंगल स्टेप है, ये पूरा सिंगल स्टेप, दिस इज अ फास्ट स्टेप, जबकि दिस इज द स्लो स्टेप। और बेटा जो स्लो स्टेप होता है ना वही रेट को डिटरमाइन करता है, अच्छा बराबर। जैसे लेट से फॉर एग्जांपल मेरे को तेरे घर पे आना, ठीक है, तो लेट मी, तो दो वे में आ रहे, आई एम फ्रॉम माई प्लेस टिल थाने स्टेशन, आई एम कमिंग, एंड फ्रॉम थाने स्टेशन टू गोरबंदर आई एम, बराबर। तो मेरे दो जर्नी, दो स्टेप, माई प्लेस टू थाने स्टेशन, थाने स्टेशन टू गोरबंदर। अभी लेट से माई प्लेस टू थाने स्टेशन मेरे को पहुंचने के लिए लगा 10 मिनट, तेरे थाने स्टेशन से गोलबंदर में ट्रैफिक बहुत है, लेट से मेरे को लगा 4 घंटे, तो मेरा पूरा जर्नी स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा ना। बराबर है। अगर ट्रेन स्लो है या ट्रेन लेट, और मेरे को मेरे घर से थाने पहुंचने के लिए 4 घंटे, जबकि तेरे इधर ट्रैफिक नहीं है, मैं 10 मिनट में पहुंच गया, तो पहले स्टेप पे डिपेंड करता, बराबर कि नहीं? तो द जर्नी डिपेंड्स ऑन द स्लोअर स्टेप, बराबर। तो बराबर। ओवर हियर आल्सो बेटा द रेट इज डिटरमाइंड बाय द स्लो स्टेप, एंड एज इन द स्लो स्टेप यू डोंट हैव ओएच माइनस, तो एक्चुअली ओएच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अल्काइल हैलाइड का ये प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट करते हैं, यू चेंज अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन एंड यू चेक द रेट, इफ एंड अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद में रेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये यूनिमोलिक्यूलर है। ओएच का रेट चेंज किया लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उस पर डिपेंड है, अंडरस्टूड? ठीक बराबर है। है, अब मैं ग्राफ बताती हूँ, कोई बचा है शेड विंडो, ऑफ एस एन और कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ वो मैं एक्चुअली इमेज डालता हूँ, SN2 का भी है, SN1 का भी। अच्छा ठीक, ये सेकंड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, यू स्टार्ट विथ रिएक्टिंग, फिर तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी, बराबर, फिर एनर्जी कम हो गई जब इंटरमीडिएट बना, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बना, दिस पॉइंट मुझे ट्रांजिशन दिख स्टेट। नहीं रहा, बस अच्छा ठीक, ब्लैंक पेज है, ब्लैक स्क्रीन सो। हाँ तो सी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में सी प्रॉपर्ली, हाँ तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये ऊपर बढ़ रहा है, ये नीचे जा रहा,
हाँ बराबर। तो ये बेटा पहला तेरा स्टार्टिंग मटेरियल है, बराबर। ये ट्रांजिशन स्टेट वन है, जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। करे फिर ये तेरा कार्बो कटायन है, इंटरमीडिएट। हाँ फिर ये ट्रांजिशन स्टेट टू है, हाँ और ये तेरा न्यूक्लियस है, मतलब अटैच करे बराबर। अब इसमें ये बराबर दिस विल बी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी वन, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी टू, बराबर। करेक्ट, तो एक्टिवेशन एनर्जी वन एंड एक्टिवेशन एनर्जी टू। अब ग्राफिकली बेटा अगर ग्राफ इस तरीके से है तो यू नो इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। अच्छा सबसे पहले तो ग्राफ इस तरीके से, ये नीचे गया इसका मतलब ये एक दो तक। देयर आर टू पीक, मतलब इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। करेक्ट, फर्स्ट पीक इज बिगर, मतलब फर्स्ट इज द आरडी, इज द रेट डिटरमाइन, दैट इज अ स्लोअर। करेक्ट, बराबर। तू बोलती थी ना मैं तो स्टार्टिंग में, मेरे को ग्राफ इंटरप्रेट करना नहीं समझ में आता, अभी आ जाओ। ये बता एक्सोइक के एंड है, ये भी एक्सोइक है, एक्सो टू स्टेप की वन स्टेप, टू स्टेप है, और जो सेकंड स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सेकंड स्टेप है। यार नाउ यू अंडरस्टूड? यस। So we are done with SN1 and SN2. Now I will teach you T1N. ठीक है, ये अभी तुमको बोर्ड में नहीं आता है लेकिन एंट्रेंस में आता है, तो मैं एलिमिनेशन के मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा। सेम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो मैं तुमको E1 और E2 एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एलिमिनेशन अगर एक्वस KOH के साथ में सब्स्टिट्यूशन होता है तो एलिमिनेशन किसके वजह से होता है? अल्कोहलिक KOH. Elimination will be taking place in presence of alcoholic KOH, बराबर। तो अभी और यहाँ पे भी वही है। अच्छा कुछ और चीजें तुमको पता होनी चाहिए, जैसे SN1 और SN2 में ना बेटा SN1 और SN2 में एक्चुअली यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लगता है SN2 में, क्योंकि देखना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम है ना, बराबर रेट में न्यूक्लियोफाइल का काम है कि नहीं डिपेंड करता है ना न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, तो इधर ना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करना है पीछे, ठीक है। SN1 में क्या है, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल भी काम कर रहा है, तो इधर ना एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगता है, ठीक है। एक मिनट, ये मैं ना हमेशा कंफ्यूज होता, लेट मी जस्ट वेरीफाई वन पोलैरिटी के बारे में, विच यहाँ पे ना बेटा SN2 में पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। SN2 मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाट डू यू मीन बाय polar aprotic solvent? Aprotic solvent मतलब which has no hydrogen. H plus नहीं देगा ना? Hydrogen नहीं होगा। तो examples अगर दे दूँ तो you have acetone,
डीएमएसओ ये सीसीएल वो नॉन पोलर है, उसको नहीं गिनेंगे, ठीक है। डीएमएसओ, डाइमिथाइल सल्फोक्सिलेट ऑक्साइड, डीएमएस, ये सारे सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हैं। डीएमएसओ कैसे रहता है? यही रहेगा बेटा, स्ट्रक्चर से सल्फर कार्बन के बदले सल्फर है, ठीक है, ऐसा। और SN1 इज प्रेफर्ड इन पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट, जैसे NH3, वाटर, ये सब सॉल्वेंट में ये होगा, ठीक है। एसिटिक एसिड, एनी डाउट? नहीं सर। ये है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और वो है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। मैं देखो इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल दैट एंड ये डीएमएस है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। जी ऐसा रहेगा, सी एच डबल बॉन्ड हो, CH3 CH3 होगा DMSO। अच्छा फॉर्मामाइड, अमाइड है ये, ठीक है, फॉर्मामाइड। तो यू हैव HC डबल बॉन्ड हो NH2, तो ये हो जाएगा फॉर्मामाइड। अगर CH3 डाला तो एसिड अमाइड, ये है फॉर्मामाइड। अब डाइमिथाइल है मतलब इसके दोनों हाइड्रोजन निकाल के मैंने दो मिथाइल ग्रुप डाला, तो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे भी है CH3, ये है N, डाइमिथाइल फॉर्म। एनी डाउट? नो नेक्स्ट। अभी E1 और E2 बता रहा हूँ, सिमिलर होता है, एकदम सेम होता है। E1 इज वेरी सिमिलर टू SN1, सिर्फ सेकेंड स्टेप चेंज होता है, मतलब इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हो जाता है। तो पहले E2 मैकेनिज्म देखते हैं, E2 मैकेनिज्म में एलिमिनेशन बेटा इस अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे मतलब यहाँ दैट इज, इसका मतलब तुम्हारा अल्फा कार्बन विल लूज या तो हैलोजन या तो OH- मतलब सम न्यूक्लियोफाइल, एनी न्यूक्लियोफाइल, एंड बीटा कार्बन विल लूज H+। नाउ दिस H+ विल बी लॉस्ट फ्रॉम ऑपोजिट साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस H+ विल बी लॉस्ट फ्रॉम ऑपोजिट साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन एलिमिनेशन इज डन साइमल्टेनियसली, मतलब E2 है ना, तो दोनों ग्रुप साइमल्टेनियसली एलिमिनेट हो, बोथ ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड साइमल्टेनियस, बोथ एटम्स, बोथ एटम्स
आर एलिमिनेटेड साइमल्टेनियसली। मतलब यू आर सी एच थ्री, E2SN2 की तरह है। E2SN2 की तरह, एग्जैक्टली SN2 की तरह है। यहाँ पे मैं एक रिएक्शन बता देता हूँ, देखो यू हैव सी एच थ्री, यू हैव सी एच टू, यू हैव बी आर, यू हैव टेकन के ओ एच अल्कोहल, इन अल्कोहलिक मीडियम यू हैव डन, सो द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, दस यू आर गेटिंग के बी आर एंड यू आर गेटिंग वॉटर। यहाँ पे जब हम इसका रेट चेक करते हैं, जब हम इसका रेट चेक करते हैं तो यहाँ पे रेट इज डिपेंडेंट बोथ ऑन C2H5Br एंड KOH, अल्कोहलिक KOH, दोनों के ऊपर डिपेंड कर, इसीलिए वो टू लिख रहे हैं, टू स्टैंड फॉर बायमोलिकुलर। बराबर, करेक्ट। अच्छा अभी यहाँ पे साइमल्टेनियस क्यों हो रहा है मालूम बेटा, जो बीटा कार्बन तू देखेगी ना वो बल्की नहीं है यार, बीटा कार्बन इज नॉट बल्की, तो यहाँ से आराम से क्यों अटैक हो सकता है, क्योंकि देख तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये तेरे पास में कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, करेक्ट। अभी दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन, बराबर। अभी ये अल्कोहल जो ग्रुप है ना बेटा, वो H को खींचने की कोशिश करेगा, O C2H5-, and why I have written कि it will go from the opposite side, why have I written कि it will go from the opposite side, क्योंकि ये Br negative है, तो O C2H5- cannot come on the same side, क्योंकि negative negative repulsion होएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि इथेनॉल ओ सी टू एच फाइव माइनस, ओ सी टू एच फाइव माइनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ एच प्लस, इट कैन नॉट अटैक फ्रॉम द सेम साइड वेयर न्यूक्लियोफाइल इज अटैक, फेयर इनफ। हाँ सर, अंडरस्टूड। तो इसलिए बेटा यहाँ पे ऑपोजिट साइड से ये वाला एच बाहर जाता है एंड यू गेट दिस प्रोडक्ट सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच। बेटा यू रिमेम्बर कि तुमको SN2 में इन SN2 यू वर गेटिंग 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट, करेक्ट, if it was optically active, यहाँ पे you will get E2 में you will get 100% trans product, यहाँ पे trans नहीं मिला है क्योंकि groups वैसे नहीं थे, but अगर मैं groups वैसे बना दू या दे दू मैं, जैसे अगर मैं तेको बोलू you have carbon, ठीक है, let's say you have an A, you have two hydrogen, ये ऊपर और ये नीचे वाला, बराबर, you have another carbon, this is A, you have यहाँ पे एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पे यू हैव ब्रोमीन, तो E2 mechanism है, E2 mechanism मतलब your H will, Br will go from your and H is going to go from your, this comes here, you are always going to get a trans product, C double bond C, you get A, you get H, you get H and you get A, you have got trans. Correct. So see, it's very similar. है ना, अंडरस्टूड। नाउ बिफोर कमिंग टू द E1 मैकेनिज्म, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट इट, डू यू रिमेम्बर सेजेस रूल? हाँ, क्या इसको ऐसा भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, सेजेस? सेजेस रूल क्या बोलता है, इन एलिमिनेशन if more than one
बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, बीटा कार्बन इज प्रेजेंट लिखते हैं, इफ मोर देन वन बीटा कार्बन इज प्रेजेंट इसमें कुछ हॉफमैन रूल आएगा ना? हॉफमैन इसका ऑपोजिट है, जैसे मार्कोनिकोफ का एंटी मार्कोनिकोफ है, वैसे ही शेजेफ का ऑपोजिट हॉफमैन। मार्कोनिकोफ क्या बोलता है, मार्कोनिकोफ इज फॉर एडिशन ऑफ एंड शेजेफ एंड हॉफमैन इज फॉर एलिमिनेशन। अच्छा, उधर ऐड होता है ना, बी आर विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये एलिमिनेशन के लिए। इफ यू हैव मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, H plus is lost from that beta carbon. वही है मार्कोनिकोफ जैसा ही है। मुझे बोलना है क्या? Which has less number of hydrogen? ये बताया था ना मैंने एंडिंग में, विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड भी हो जाएगा, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। एनी डाउट? देन वन नहीं 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 डाउट ना, बराबर ना? हाँ हाँ अच्छा मैं एक प्रोडक्ट दे देता, रिएक्टेंट दे देता, यू हैव एक कार्बन यू हैव दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन या चौथा कार्बन, बराबर। यहाँ पे मैंने डाल दिया ब्रोमीन, बराबर। ये सी एच थ्री है, सी एच टू है, यू आर टेकिंग अल्कोहलिक KOH, यू टेकिंग अल्कोहलिक KOH, तो बी आर विल गो फ्रॉम दिस कार्बन एंड इट विल गो फ्रॉम दिस हाइड्रोजन विल बी प्रेफर्ड, बराबर। दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, राइट? अभी ये तो ये जो कार्बन है जिसके पास ब्रोमीन अटैच्ड है उसके पास दो बीटा कार्बन है ना, एक राइट में एक लेफ्ट में, पर वो लेफ्ट में जो है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ना, और उसके पास लेस हाइड्रोजन भी है, तो वहां से कौन जाएगा? दिस इज द सेम थिंग बेटा, व्हिच जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा उसको हाइड्रोजन उसमें लेफ्ट कम रहेगा। मतलब देखना, मैंने मार्कोनिकोफ जब बताया था तो मैंने दो तरीकों से, मतलब दो अलग अलग एग्जांपल देके बताया था, बट अभी तो वो रिवील कर दिया ना मैंने। मतलब हमने पहले जब मार्कोनिकोफ रूल लिखा था तो हमने लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था, फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था जहाँ पे हाइड्रोजन सेम था लेकिन एक सब्स्टिट्यूटेड था और एक नहीं था, ये वाला दिया था ना एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड था ये था। अब इधर भी सेम हाइड्रोजन है, इधर भी सेम हाइड्रोजन है, बट ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड। हाँ, तो इसीलिए तो ये प्रोडक्ट समझा बेटा? हाँ हाँ करेक्ट। अच्छा अभी आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, वन नीट का क्वेश्चन आया था, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन ट्रांस टू साइक्लो साइक्लो पेंटेनॉल? हेलो, हेलो हेलो हेलो
हेलो। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो। हेलो। हाँ सॉरी वो कॉल आ गई। हाँ, चलिए सॉल्व करना है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ नहीं, अल्कोहलिक? साथ में सॉल्व कर रहे बेटा। ये अभी तक ये इसमें ना हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कर रहे हैं, मतलब HBr निकाल रहे, यहाँ पे हम वाटर निकाल रहे। ठीक है, तो ये मैंने गलत लिखा है क्योंकि फिर अल्कोहलिक QH नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रांस वन ब्रोमो, मैंने लिखा क्या था, टू फिनाइल साइक्लोपेंटेन। तो हम साथ में करते हैं ये, तो हाँ, देखो साइक्लोपेंटेन बनाता हूँ सबसे पहले। तो चलेगा। ये साइक्लोपेंटेन हो गया मेरा। अब वन पहले कार्बन पे ब्रोमीन है वेरी और वन दूसरे कार्बन पे फिनाइल ग्रुप है, लेकिन यस ये दोनों कैसे हैं, ट्रांस, मतलब दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये। अच्छा, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ तो ताकि नीचे पीएच है तो इसका और कुछ नहीं प्रेजेंट है, मतलब ऊपर मेरे को पता है हाइड्रोजन है, बराबर बराबर कि नहीं। करेक्ट। मैं बाकियों का भी लिख देता हूँ। इधर भी दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों भी हाइड्रोजन है, इधर भी करेक्ट दोनों हाइड्रोजन है और इधर भी दोनों। सर, ये ब्रोमीन और ये फिनाइल रिंग जो है वो एक दूसरे को ट्रांस है, इसलिए वो सेकंड पोजीशन पे एच और पीएच का पोजीशन उल्टा किया है ना। बराबर ट्रांस दिया ना मैंने। बराबर है। अच्छा, अब इसमें हम अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं तो अपने को पता है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होने वाला है, मतलब HBr निकलने वाला। ठीक है, अब मैं देखो दो प्रोडक्ट देता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट आई एम गिविंग यू लाइक दिस, Br तो निकलेगा ना दोनों में। पहला प्रोडक्ट जो मैं देखो दे रहा हूँ बेटा वो मैं कुछ इस तरह से देता हूँ, पीएच हो गया नीचे और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ, मतलब मैंने ये बी आर और ये एच। दूसरा प्रोडक्ट जो मैं देखो दे रहा हूँ मैं देखो ये दे, क्योंकि इसके पास में भी ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है कि नहीं। तो करेक्ट। दूसरा वाला मैं यहाँ पे पीएच, तो बीच तो यहीं पे आएगा, यहाँ पे मैं डबल करूंगा, ए अंदर है कि बी, एक मिनट। हाँ, आपने क्या दो रूल बोले थे कि एक्स हो या ओएच हो वो? सर एक बार आप प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे? ये वाला, नहीं, उससे पहले वाला। ये वाला। हाँ बस बस। अल्फा कार्बन विल लूज एक्स डैश, ओके, और बीटा कार्बन विल लूज एच प्लस। पर वो अपोजिट होना चाहिए। हाँ सर, अभी वो दिखाओ क्वेश्चन। और ये एक और रूल है सेट्स रूल, कि अगर दो बीटा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड या फिर व्हिच इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी ये क्वेश्चन करेक्ट। भी अल्कोहलिक को डबल बॉन्ड तो आएगा, ये करेक्ट है। फिर इसको ब्रेक करते हैं के प्लस ओ एच माइनस में, और अभी दो बीटा कार्बन है बराबर। अभी वहां पर हाइड्रोजन कम होना चाहिए, तो हाइड्रोजन तो जो राइट साइड पे है ना बीटा कार्बन, वहां पर हाइड्रोजन कम दिख रहा है। हाँ,
अल्फा कार्बन से ब्रोमीन जाएगा के प्लस, मुझे लगता है सर ये ऑप्शन। ए ऑप्शन, वेरी गुड, इसका आंसर बी है, आंसर इज बी। मैं भी रीजन बताता हूँ इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कैसा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली में क्या है मालूम दीदी, अकॉर्डिंग टू सेट जेफ जो तूने किया, सेट जेफ ए शुड बी दी आंसर, बट हमको ये भी पता है कि एच, ऑपोजिट साइड से जाता है। हाँ, एंड बी आर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम सेम साइड, देयर वाज अ रीजन ऑफ मेंशनिंग ट्रांस ओवर हियर, क्योंकि अगर वो सिस होता तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं था ना, ब्रोमीन और एच अलग होता, लेकिन क्योंकि वो ट्रांस था तो ब्रोमीन एंड एच इज डिफिकल्ट, बराबर। यहाँ पे दिस एच विल नॉट बी एलिमिनेटेड एज एज ओ सी टू एच फाइव माइनस कैन नॉट कम ऑन दैट साइड, कैन नॉट अटैक फ्रॉम दैट साइड। नहीं समझा मुझे। अच्छा मैकेनिज्म देख, ई टू मैकेनिज्म देख, एच को लेने का काम कौन करता है, अल्कोहलिक ग्रुप करता है, एच को लेने का काम कौन करता है, अल्कोहलिक ग्रुप करता है, हाँ बराबर। हाँ अब बराबर करेक्ट। अल्कोहलिक ग्रुप नीचे से अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि ब्रोमीन था, तो ये माइनस है, ब्रोमीन भी माइनस है, तो वो नीचे से अटैक नहीं कर पाया, इससे वो ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, इससे ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, बराबर। बराबर है। हाँ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू सीडजेफ ये वाला हाइड्रोजन जाना चाहिए, हाँ बराबर। बट ये सेम साइड में है, ब्रोमीन जिस साइड में है, इसके पास दूसरा हाइड्रोजन भी नहीं है क्योंकि फिनाइल ग्रुप में प्रेजेंट, तो इसके हाँ पास कोई बराबर हाइड्रोजन करेक्ट भी नहीं है, तो ये सेम साइड से निकल नहीं सकता क्योंकि ओ सी टू एच फाइव, वो निकलने के लिए ग्रुप रहना चाहिए ना ओ सी टू एच फाइव माइनस, इसीलिए ओ सी टू एच फाइव माइनस दूसरे साइड से जाएगा, ये साइड से जाएगा और इसको निकाल बराबर। लेगा, तो ये सेजेफ का ऑपोजिट हुआ ये वाले एग्जाम्पल, तो इसलिए ये नोट हाँ करके रखना जरूरी, ये हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभी होता है, तो जानना इसलिए जरूरी, समझा। अच्छा। नहीं सर, प्रायोरिटी हम लोग सेजेस को भी नहीं हाँ, देते, वो ऑपोजिट साइड को देते ना। अच्छा प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड को देते, वेरी गुड, ऐसा है। ओके गॉट। नाइस, इंटरेस्टिंग। यस इवन में कोई दिक्कत नहीं, इवन में बराबर आएगा, इवन में आई हैव टू टीच यू ओनली वन पॉइंट, जैसे SN2 वाज 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट एंड यहाँ पे देखो 100% ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, इवन में देखो सिस और ट्रांस दोनों मिल सकता है क्योंकि इवन में इत्मीनान से बॉन्ड टूटेगा, इवन इन मैकेनिज्म में हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप यूज करते हैं, तो मतलब थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप यूज करते हैं, तो यू हैव वन आर वन, यू हैव दूसरा यहाँ पे है तुम्हारे पास में आर टू, ये आर थ्री के बदले में मैं यहाँ पे सी एच थ्री डाल रहा हूँ, ना हाइड्रोजन निकालेंगे कहाँ से, और ये है तेरे पास में ब्रोम, तो बेटा तेरे पास में ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये तेरे पास बीटा कार्बन, बराबर, यहाँ पे बीटा कार्बन की इर्द गिर्द बहुत बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ओ सी टू एच फाइव माइनस यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता, तो साइमल्टेनियस एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। देख बेटा, एच निकालने के लिए भी एक ग्रुप उसके नजदीक आता है तब एच निकलता है, तो एच अभी वो जो ग्रुप है ओ सी टू एच फाइव माइनस, वो यहां से नजदीक नहीं आ सकता, करेक्ट। मैं लिख के देता हूँ, ये एच प्लस इज रिमूव्ड विथ द हेल्प ऑफ
OC2H5 minus cannot attack from front side due to presence of bulky group. नहीं, presence of Br minus आगे है तो वो है ना, due to presence of Br minus and cannot attack from behind due to bulkiness. Correct. तो यहाँ पे इत्मीनान से पहले बॉन्ड ब्रेक होएगा, एक एक एटम निकलेगा तो दूसरा नहीं. बराबर. तो यहाँ पे बेटा स्टेप वन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. तो वही मैं ट्रांजिशन स्टेट नहीं दिखा रहा हूं इधर. तो ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे मैं CH3 बता रहा हूँ. ये तेरे पास में Br ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पहले तो ये निकलेगा R1 और R2 एंड दिस विल बी द स्लोअर स्टेप. ये तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगे बराबर, दिस विल बी द स्लो स्टेप. एंड देन सेकंड में H फिर आराम से आगे वाला H भी जा सकता है, पीछे वाला भी H जा सकता है, कोई भी H जा सकता है. स्टेप टू में अब कुछ नहीं है ना उसमें, अब ऐसा नहीं है ना कि आगे वाला एच जाएगा कि पीछे वाला एच जाएगा, तो कोई भी एच जा सकता है. तो एच चला गया, यू हैव आर वन सी, ये कार्बन है, इसके बाद ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन. यहाँ का ये वाला भी एच जा सकता है, ये वाला भी एच जा सकता है, गिविंग इट कैन गिव यू बोथ सिस एंड ट्रांस. यू हैव आर वन सी आर टू, यू हैव डबल बॉन्ड सी एच टू. And ये cis भी हो सकता है, trans भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई limitation नहीं है. Understood? Correct. बराबर? यहाँ पे only slow step पे depend करता है. So the rate of the reaction is directly proportional to the concentration of alkyl halide. पहला एक्चुअली भले ये चैप्टर थोड़ा सिंपल है HBA, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना काफी. ये दो चैप्टर को ही टाइम लगता है एक्चुअली. इवन दो AKC इज द बिगेस्ट चैप्टर, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि जस्ट रिएक्शन 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 बाय हार्ट करना है उसको. कॉन्सेप्ट इन दो चैप्टर्स में आते, APE में, अल्कोहल फिनॉल ईथर में और अल्काइल हैलाइड्स में. तो ये अल्काइल हैलाइड्स का ये कॉन्सेप्ट हो गया. तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग एक सैटरडे वाले लेक्चर में we will be doing aryl halides. So, उसमें बहुत important concepts आएगा कि aryl halides वो reaction नहीं दे पाते जो alkyl halides देते हैं, तो vinyl halide भी नहीं देते हैं, वो सबका explanation रहेगा. फिर जो तुम्हारा region selectivity है, ortho para directing, meta directing, तो पूरे aryl halides का उस lecture में खत्म होएगा, चाहे वो halol alkenes हो, phenol हो, carboxylic acid हो, तो उस lecture में I will complete entire thing उसमें. So next lecture will again be a very conceptually driven, conceptually important topic. Okay. Till we एक बार ये खत्म हो गया ना, alcohol phenol ether हो गया ना, even alcohol हो गया तो by that matter, then फिर उसके बाद में reactions के number ज़्यादा है, but ये concept नहीं है. Concept complete हो जाए. Are you understanding बेटा? हाँ सर. Organic के MCQ solve करने में थोड़ा difficulty लगता है जब तक reactions हमको नहीं आ जाते एक बार. Once AKC is done, only then we can go and try. क्योंकि बहुत vast होता है ना ये, सब connected रहता है इसीलिए. बराबर है. ठीक है, तो फिलहाल तुम रिएक्शन बाय हार्ट करने के लिए जाओ. ये सैटरडे तक कर लोगी बेटा? हाँ हाँ सर. जो कल का लेक्चर था और आज का लेक्चर था. हाँ. अच्छा, सैटरडे का टाइम मेरे को बता दो. ठीक है. बाय. थैंक यू सर.